हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू शॉप एडिट। सो गाइस, आज की हमारी एडिटिंग कुछ इस टाइप के होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी पार्ट जो मिस ना कर पाओ। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फोटो को ओपन कर लेना है लाइट ग्रूम एप्लीकेशन में। तो अभी मैंने यहाँ पे जो ऐड कर लिया है, तो अभी इसे ओपन कर लेंगे। देन गाइस, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो थर्मोमीटर वाला ऑप्शन है ना गाइस, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे जो टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अराउंड 10 के आसपास, और टिंट को गाइस थोड़ा सा कम कर लेना है। तो अभी वाइब्रेंस जो है गाइस, इसे भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और गाइस सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेना है अराउंड 10 के आसपास। देन इसके बाद आपको यहाँ पे मिक्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है, और गाइस ऑरेंज कलर की जो ह्यू है इसे थोड़ा सा कम कर लेना है। तो गाइस अभी हम यहाँ से लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे येलो कलर को सिलेक्ट करना है, येलो कलर की ह्यू जो है इसे -100 कर लेना है, और गाइस सैचुरेशन को भी -100 कर लेना है। लुमिनेंस को थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो अभी गाइस आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ग्रीन में गाइस ह्यू को -100 कर लेना है, और गाइस सैचुरेशन को तकरीबन 90 के आसपास रख लेना है। देन गाइस अभी आपको यहाँ पे जो लुमिनेंस को है, लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो अभी यहाँ से जो आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेना है, और गाइस ब्लू कलर में भी आपको ह्यू को -100 और सैचुरेशन को भी -100 रख लेना है, और लुमिनेंस को थोड़ा सा कम कर लेना है। देन आपको इसके बाजू में जो पर्पल वाला कलर है इसे सिलेक्ट कर लेना है, इसमें भी गाइस आपको ह्यू को -100 कर लेना है, और गाइस सैचुरेशन को तकरीबन 60 या 60 के आसपास रख लेना है। देन अभी इतना करने के बाद कर लेंगे यहाँ से डन। तो अभी देखिए गाइस, ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट वाला टोन आया, तो अभी हम इसे ब्लू टोन करेंगे। तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पे थर्मोमीटर के नीचे की तरफ ये व्हाइट वाला ऑप्शन है ना गाइस, देन आपको यहाँ से स्प्लिट टोन पे आ जाना है, और यहाँ पे गाइस आपको 442 और गाइस आपको यहाँ पे 41 रख लेना है, मतलब ह्यू को 242 और सैचुरेशन को 41 रख लेना है। तो अभी यहाँ पे जो ये बैलेंस है ना गाइस, इसे बैलेंस को भी थोड़ा सा मतलब कम कर लेना है अराउंड 14 के आसपास। तो अभी गाइस इतना करने के बाद कर लेना है यहाँ से डन। तो अभी हम यहाँ पे जो है टेक्सचर को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और गाइस डिहेंस को थोड़ा सा कम कर लेना है, और गाइस विगनेट को अराउंड 35 या फिर 40 के आसपास रख लेना है। तो गाइस अभी इतना करने के बाद यहाँ से आ जाता है बैक। तो गाइस अभी आपको यहाँ पे ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और गाइस एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। सो गाइस ये जो सेटिंग्स है ना गाइस, ये आपको अपने फोटो के हिसाब से रख लेनी है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इसी वाले सेटिंग्स को फॉलो करना है, ये सिर्फ आप अपने फोटो के हिसाब से कर सकते हैं। देन गाइस अभी इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कर्व्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और गाइस बस जो मैं कर रहा हूँ ना गाइस यहाँ पे, तो इसी स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए गाइस कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद कर लेंगे यहाँ से डन। तो अभी यहाँ से बैक आ जाते हैं, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ, तो मैं गाइस एक्सपोजर को तो अराउंड 50 के आसपास रख लेता हूँ। तो देखिए गाइस पहले तो भाई हमारा फोटो दिखा देता हूँ। तो हमें देखिए बिफोर में जो है फोटो ऐसी थी, और गाइस अभी एडिट करने के बाद कुछ इस टाइप की हो गई है। तो गाइस इसे सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से सेव टू डिवाइस करके गाइस ओके करना है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।